हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों को डायपर रेसेस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि बच्चों की स्किन सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के डायपर रेसेस को ठीक करने बहुत ही सिंपल और आसान घरेलू उपाय। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फर्स्ट पॉइंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो कि बच्चों के डायपर रेसेस को बहुत जल्दी ठीक करता है। इसके लिए आपको पहले बच्चों के डायपर वाले एरिया को ड्राई कर लेना है, उसके बाद इसको अपने हाथों पर लेकर अच्छे से रब करना है और उसके बाद इसे टैप टैप करके बच्चों के स्किन पर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। बच्चों के लिए जो है अपने नेचुरल एलोवेरा का इस्तेमाल करें। इसे आप कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई करें। इससे बच्चों की स्किन के रैसेस भी ठीक होते हैं और बच्चों की स्किन को ठंडक भी मिलती है। आपको रैसेस वाले एरिया पर कोई भी नुस्खा जो है वो उससे रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से अप्लाई करके छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलिव ऑयल या फिर बादाम रोगन ऑयल। ऑलिव ऑयल और बादाम रोगन ऑयल जो एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है जो कि बच्चों के डायपर रेसेस को भी ठीक करता है। अगर वहाँ खुजली हो रही है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया तो उसे भी ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट मिल्क या फिर कच्चा दूध। कच्चा दूध और ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बायोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें जो कि बच्चों के किसी भी तरीके के स्किन इन्फेक्शन को बहुत तेज़ी से ठीक करता है। तो आपको अच्छी तरीके से जो है इसे टैप टैप करके अप्लाई कर लेना है, लेकिन इससे पहले अप्लाई करने से पहले आपको उस एरिया को अच्छी तरीके से पोंछ लेना है और सुखा लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है देसी घी। देसी घी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, साथ ही साथ उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि बच्चों की स्किन को सॉफ्ट और सफल भी बनाते हैं और बच्चों के डायपर रैसेस को भी ठीक करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रैसेस क्रीम। बच्चों के लिए काफ़ी सारे डायपर रैसेस क्रीम आते हैं मार्केट में। अगर ठीक नहीं हो रहा है बच्चे का डायपर रैस तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केमिकल फ्री क्रीम्स का ही इस्तेमाल करें और अच्छे ब्रांड का क्रीम लें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।